अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राम भक्त भोपाल के डमरू पर झूमेंगे, झांझ मजीरे ढोल नगाड़े थाल घंटा के धुन पर उत्सव मनाएंगे। भोपाल की बाबा बटेश्वर की कीर्तन समिति उस अद्भुत पल की गवाह बनेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से बुलावा आया है, अयोध्या में कैसी होगी वो अद्भुत प्रस्तुति, आइए आपको दिखाते हैं। यह भोपाल की श्री बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति 108 सदस्यीय समिति के बारे में आपको बता दें, बेहद युवा प्रोफेशनल्स, कोई इंजीनियर है, कोई एमबीए पास आउट है और वो लगातार शिव उपासना में जुटे हुए हैं। उन्होंने अलग अलग महाकाल से लेकर काशी विश्वनाथ तक में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और अब इन्हें अयोध्या से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया है। 21 और 22 दो दिन इन्हें प्रस्तुति देनी है, क्या कुछ और कैसे ये प्रस्तुति देंगे हम इनसे भी समझेंगे जानेंगे और क्या क्या यंत्र ये वहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं, कैसे झांझ मंजीरों के जरिए प्रस्तुति होगी। ये तमाम बातें हम इनसे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए शिव उपासना की ओर कैसे पहुंचे आप लोग? सर हम लोग है ना, मतलब हमारे यहाँ सभी लोग है ना घर से पूजन पाठ को करते हैं और हम लोग बचपन से हमारे भगवान शिव में आस्था थी, तो हम लोग हमारे घर के नियर पास में मंदिर भी है तो हम वहाँ जाया करते थे। फिर वहाँ पे जो शिव बारात निकलती है वो काफ़ी प्रचलित है, तो हमने सबसे पहले प्रथम वहीं पर बाबा की शिव बारात में बजाना चालू करा। लगातार कम से कम 4 वर्षों तक हमने वहाँ बजाया, लेकिन किसी कारणवश फिर हमने वहाँ से अलग होने के कारण हमने दूसरी जगह बजाना चालू करा। इसके बाद हमें काशी विश्वनाथ जी के यहाँ मंदिर में भगवान के यहाँ बजाने का हमें आमंत्रण पत्र आया और हम वहाँ बजाए और बाबा को इसके बाद हमने दूसरे दिन नौका विहार भी कराया, नगर भ्रमण भी कराया। इसके बाद दूसरा हमारे पास महाकाल भगवान की शाही सवारी में 8वीं शाही सवारी थी, उसमें सम्मिलित होने का बाबा ने हमें मौका दिया। इसके बाद उपरांत हमको अभी अब बाबा ने हमें नए साल में जो दीपावली है हमारी हिंदू सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी, उसमें हमको मौका दिया है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 21, 22, 23 तीन दिन का जो कार्यक्रम है उसमें हमें कीर्तन की प्रस्तुति की स्वीकृति मिली है। अलग अलग जगह आपको प्रस्तुति देनी है? जी बिल्कुल, हमें 21 तारीख को हमें नया घाट पे देनी है जो कि नागेश्वर नाथ मंदिर से होगी और पूरे घाट नंबर 9 तक हम लोग रहेंगे और जिसमें कम से कम लगभग उस समय 17,000 पत्रकार के आसपास कुछ ऐसे हैं और काफी लेजर शो, लाइटिंग शो वगैरह होता है। सेकेंड इसके बाद हमारी 22 तारीख को जो है नागेश्वर नाथ मंदिर से ही वापस उठेगी, इसके बाद लता मंगेशकर चौराहा, अशरफी भवन, तुलसी उद्यान और इसके बाद है ना वो बिरला धर्मशाला, बिरला धर्मशाला के बाद हमको हनुमानगढ़ी,
चुनिंदा दलों को बुलाया गया, न्योता दिया गया है, कैसा आप फील कर रहे हैं भोपाल के इस कीर्तन दल को अगर बुलाया गया है वहां पर? ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और हमारे लिए तो मतलब ये बोला जाए तो मतलब गर्व की बात है कि हमें इतना मौका मिला, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियां थी उनने हमारी भी या 500 साल का जो भगवान वनवास काट रहे थे अब जाके वो हमारे सामने हमको भगवान का मंदिर देखने को मिला है लाइव, तो हम उस चीज को तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है, 500 वर्ष बाद अब रामलला एक बार फिर से अपने घर में पहुंचेंगे। थोड़ा सा हमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में जरूर बताइए, प्रैक्टिस आप रिहर्सल शुरू करें। ये क्या है, कैसे आप इन्हें बजाते हैं, ये थोड़ा सा ये इसके बारे में बताइए, उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए। जी जैसे कि ये नगाड़ा है, हमारा मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नगाड़ा है और इसका बेस ही इसकी सब कुछ है। ये मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नगाड़ा है। इसके बाद ये पुनेरी ढोल है जी, ये पुनेरी ढोल है जी, और ये मतलब अपना महाराष्ट्रियन ढोल कहलाता है पुनेरी ढोल। इसमें बेस रहता है दो ही तरफ, जैसे इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें दो ही तरफ बेस रहता है। इसका हमारे पास ये तड़तड़ी है, श्रृंगी है, शंख है। ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है, ये क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये नगाड़ा है जी। इसको कैसे बजाते हैं थोड़ा सा एक बार जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये इसके अलावा झांझ है और ये है, थोड़ा सा इनके बारे में बजाइए, कितनी झांझ हम लोग बजाने वाले हैं? कम से कम सर हमारी 60 झांझ के आसपास है, जो हम 60 झांझ और मंजीरे, हम मतलब झांझ कोई मंजीरे को 60 मंजीरे हैं, 30 डमरू हैं, 10-12 शंख हैं, श्रृंगी हैं, दो ऐसे हिसाब से अलग अलग, दो भगवान के 3 ध्वज हैं, राम ध्वज, ऐसे अलग अलग सेटअप है पूरा। बिल्कुल, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग गवाह बनने वाले हैं भगवान राम की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के? हम लोग को बहुत ही ज्यादा गर्व हो रहा है इस चीज का, मतलब हम लोग समिति वाले इतने खुश हैं कि हमको इसको शब्द में बयां नहीं कर सकते जी। आप कुछ कहेंगे? ये पूरे भारत वर्ष के लिए 140 करोड़ आबादी के लिए सौभाग्य की बात है कि 500 वर्ष बाद भगवान राम लला यहाँ पे पधार रहे हैं, और उस 140 करोड़ में से हम 108 लोग बहुत ही अति सौभाग्यशाली हैं कि हमें वहाँ पे प्रस्तुति देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल, और कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, कई और युवा हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं हम लोग, और बहुत सौभाग्य की बात है कि प्राण प्रतिष्ठा में हमें आमंत्रित मिला है, और बहुत पूरे मध्य प्रदेश का हम नेतृत्व कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में राम में माहौल कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ और युवा ये रिहर्सल शुरू करें उससे पहले हम थोड़ी थोड़ी बात और करेंगे। कैसा लग रहा है आपको वो ऐसे पल के गवाह बनने जा रहे हैं जिसका इंतजार 500 साल से किया जा रहा था? हम तो अभी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी वो तारीख आए और कब हम उस पावन भूमि पर अपने कदम रख सके। इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और कुछ हो ही नहीं सकती कि हम 160 लोग भोपाल के, जो पूरे देश में से एक हमारी टीम को ये मौका मिला है ये भक्ति करने का, और ये सबसे अनूठा तरीका भी है। हमारी कुछ जो स्पेशल चीजें हैं, जो हमारे यंत्र हैं, स्पेशल यंत्रों के साथ जो हम करने वाले हैं, ये हम एक इसको प्रोग्राम नहीं, एक भक्ति के रूप में लेते हैं, और हम लोग उसी भक्ति को करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारी तारीख का।
बिल्कुल, हम चाहेंगे कि वो आप प्रस्तुति भी हमें दिखाएं जो आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देने वाले हैं अयोध्या में। केवल प्रैक्टिस नहीं है बल्कि, फिर आपको बता दें, केवल रिहर्सल नहीं है बल्कि आस्था है, भक्ति है, समर्पण है भगवान भोलेनाथ को, भगवान राम को। और ये आस्था जब भगवान भोलेनाथ भगवान राम के प्रति जब अयोध्या पहुंचेंगे, जिस ऊर्जा को आप यहां देख पा रहे थे, हो सकता है ये ऊर्जा का संचार अपने चरम पर हो जब भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में ये दल पहुंचेगा। और इस दल के लिए हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, न्यूज 18 की बहुत शुभकामनाएं हैं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।